हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 21st ऑफ अगस्त 2020। तो 21 अगस्त 2020 का कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज और दोज हु वांट टू जॉइन द यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, दे कैन जॉइन अस फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस फर्स्ट, जिनके आंसर्स आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट वॉज फाउंडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट फंक्शंस एज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर टू इज, आलेख इट्स अ क्वार्टरली ई न्यूज सेटलर ऑफ ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इट वॉज लॉन्च रिसेंटली बाय, इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया था। ऑप्शन आर, ए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, या डी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द केस फैटेलिटी रेट। द केस फैटेलिटी रेट इनमें से क्या होता है। ऑप्शन आर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ गिवन पॉपुलेशन टू द नंबर ऑफ डेथ्स एक्सपेक्टेड, बी द रिलेटिव डिफरेंस इन डेथ्स रेट बिटवीन डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ द सेम बायोलॉजिकल स्पीशीज डिक्रीजिंग विद एज। थर्ड इज, इट इज द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन स्केल टू द साइज ऑफ दैट पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ टाइम, या डी इट इज द प्रपोर्शन ऑफ डेथ फ्रॉम अ सर्टन डिसीज एमंग ऑल इंडिविजुअल्स डायग्नोस्ड विद द डिसीज ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। सो दीज आर द क्वेश्चन फॉर यू टूडे, जिनके आंसर्स आप करेंगे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स स्टार्ट द न्यूज एनालिसिस पार्ट। सुप्रीम कोर्ट गिव्स भूषण टाइम टू रिकंसिडर द स्टेटमेंट। प्रशांत भूषण को टाइम दिया गया कि वो अनकंडीशनल अपोलोजाइज कर लें टू द सुप्रीम कोर्ट इफ ही वॉन्ट हिमसेल्फ टू सेव फ्रॉम द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पनिशमेंट। अगर वो खुद को बचाना चाहते हैं तो कर लें। उनको कन्विक्ट किया गया इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आर्टिकल 129 ऑफ द फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 215 फॉर द हाई कोर्ट। आर्टिकल 129 आपके सुप्रीम कोर्ट को बोलता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा एंड can punish for the contempt of itself. Then article 215 gives power to the high courts that they can punish for the contempt of themselves and they will be a court of record. So basically ye dono aapko yaad rakhna hai. Iske alawa ek statutory provision bhi hai, contempt of Court Acts 1971, there is a 1971 act also regarding this contempt of court. Okay, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे इनको कंटेम्प्ट भी दो टाइप के होते हैं। कंटेम्प्ट एक होता है, पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दूसरा होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब व्हेन यू स्कैंडलाइज द जुडिशरी एंड व्हेन यू मतलब डिक्रीज देयर अथॉरिटी और यू इंटरफेयर विद द नॉर्मल प्रोसीडिंग ऑफ द जजमेंट और जुडिशरी, देन ये आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट के केस में आता है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब क्या कोई इनोसेंट पब्लिकेशन होता है? यस, इनोसेंट पब्लिकेशन अलाउड है। कंटेंट ऑफ कोर्ट के अंतर्गत क्या चीज नहीं आती है? इनोसेंट पब्लिकेशन ऑफ द जजमेंट्स गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है और उसका इनोसेंट पब्लिकेशन होता है, देन दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड योर दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंटेंट ऑफ कोर्ट। इसको याद रखिएगा। दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट और न्यूज़ हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी, आप मेरे साथ मूव करिए। FIAPO PETA टू बी अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑन सर्कस एनिमल्स। अब FIAPO यानी कि FIAPO और PETA को पार्ट बनाया गया है ऑफ द स्टडी ऑन सर्कस एनिमल्स। अब ये स्टडी कौन करेगा? ये करेगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तीन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको पता चला। एक है फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन FIAPO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम FIAPO बोलते हैं। दूसरा है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स जिसको हम PETA बोलते हैं। दे विल बी अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड सर्वे बींग कंडक्टेड बाय द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो सर्वे करेगा उसका हिस्सा इन दोनों को बनाया जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये स्टडी किसकी होगी? सर्कस एनिमल्स की। FIAPO की अगर हम बात करें तो FIAPO बेसिकली इट वॉज ऑफिशियली फाउंडेड इन द ईयर 2010। इसको ऑफिशियली 2010 में बनाया गया था। हाउ एवर द जर्नी बिगैन अ वाइल एगो एट द एशिया फॉर एनिमल कॉन्फ्रेंस इन 2007। तो एशिया फॉर एनिमल कॉन्फ्रेंस हुई थी 2007 में, उसके बाद से बेसिकली इसको बनाने की मुहिम चालू हुई और 2010 में फाइनली इसको बनाया गया। इट वॉज फाउंडेड इन 2010 FIAPO।
द आइडिया ऑफ द कोलिशन वॉज अंडर डिस्कशन सिंस 2005. 2005 से ही बातचीत चल रही थी. 2007 में कॉन्फ्रेंस हुआ, एशिया फॉर एनिमल्स कॉन्फ्रेंस, और 2010 में इसको बनाया गया बेसिकली, ठीक है ना. एंड ये बेसिकली कैसी बॉडी है, बेसिकली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग टू रिस्पॉन्ड एंड केयर फॉर ऑल द एनिमल्स नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो इन द फ्यूचर. ओके, क्या केयर करने के लिए बॉडी है जो एनिमल्स के लिए केयर करती है. देन दूसरी बॉडी जिसके बारे में जानते हैं जानेंगे वो है पेटा. पेटा इज़ बेसिकली पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स. पीपल फॉर द पीटा बोलते हैं इसको. पीटा इसको बोलेंगे कैसे, पीटा. ओके, तो इट इज़ पीपल फॉर द People for the ethical treatment of the animals and it is an American animal rights organization based on Norfolk, Virginia. तो Norfolk, Virginia की American ये animal rights organization है and the non-profit corporation claims 6.5 million supporters. Its slogan क्या है इसका, animals are not ours to experiment on, eat, wear, use for entertainment or abuse in any or the other way. ठीक है ना, इसको याद रखिएगा. अगली जो body जिसके बारे में देखेंगे जो कि ऑर्गेनाइज कर रही है वो है आपका ऑल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया. अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली इट्स अ बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी. इट इज एन एडवाइजरी बॉडी एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एनिमल वेलफेयर लॉज एंड प्रमोट्स एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री ऑफ इंडिया. ओके, एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करता है कंट्री में. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1962. एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मड इन 1962 under section 4 of the Prevention of Cruelty to Animals Act of 1960. Okay, 1960 के Prevention of Cruelty to the Animals Act 1960 के अंतर्गत इसको बनाया गया था section 4 के अंतर्गत, और ये बना कब था, 1962 में बना था. Okay, 1960 के Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 के अंतर्गत इसको बनाया गया था. This board consists of 28 members who served for a period of 3 years. Okay, इसके अंदर कितने members होते हैं, 28 members होते हैं who serve for a period of 3 years, 3 साल की period के लिए serve करते हैं. It works to ensure that animal welfare laws in the country are followed and provide grants to animal welfare organization. Okay, तो animal welfare organization को grant provide करेगी और ये देखती है कि basically ये rules animal welfare के वो follow हो country में. The board was initially within the jurisdiction of Government of India's Ministry of Food and Agriculture. तो पहले ये Ministry of Food and Agriculture के अंतर्गत थी, बाद में इसको Ministry of Environment and Forest के अंतर्गत ला दिया गया था जहाँ ये presently है, याद रखिए, ठीक है ना. These are things which are very very important. I hope you got clarity regarding these as well. आपको समझ में आ गया होगा. आगे move करते हैं, देखते हैं और क्या important news item है. तो if you move with me, यहाँ पे आपको एडिटोरियल सेक्शन देखते हैं. द मैरिज एज मिसकंसेप्शन. अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने टू बी प्रिसाइज अनाउंस किया था कि वो जो एज ऑफ मैरिज है फॉर द गर्ल्स उसको रिकंसिडर करवाने वाले हैं और 18 साल से हो सकता है बढ़ा करके उसको 21 साल कर दिया जाए. इसके लिए एक जया जेटली पैनल भी बनाया गया है ना. ये तो प्रिलिम्स के लिए हो गया आपको. अब ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है कि देर आर नो ऑब्वियस कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट हैज बीन डिमांडिंग सच अ चेंज. ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है पर्टिकुलरली जो कि ये चेंज मांग रही हो. फिर भी ये बोला गया है कि इसको एज को बढ़ाया जाएगा. सो दिस इज क्यों ऐसा किया गया कि इसको किया गया, सोचा गया इसके बारे में, क्योंकि जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस है उसमें सबको ये लगता है कि अगर बस एज को डिले कर देंगे या एज को बढ़ा देंगे तो उससे जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं मदर्स की वो खत्म हो जाएंगी. बट ऑथर ने यहाँ पे प्रूव किया कि ऐसा नहीं है. अब ऑथर ने कहा कि लैंसेट की अगर स्टडी हम देखें, लैंसेट की स्टडी में ये पता चला था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये पता चला कि बहुत सारे कारण होते हैं जिससे कि मदर की एज या मदर की हेल्थ इफेक्ट होती है ड्यूरिंग द चाइल्ड बियरिंग टाइम. उसका एजुकेशनल लेवल, उसकी लिविंग कंडीशंस, उसकी हेल्थ कंडीशन, डिसीजन मेकिंग पावर, एज भी उसका एक फैक्टर होता है. लेकिन अब ऑथर ने यहाँ पे बोला कि लेकिन गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक फैक्टर कंसीडर कर रही है, एज ऑफ मैरिज. वो सिर्फ एज ऑफ मैरिज कंसीडर कर रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो था पॉवर्टी. ऑथर ने कहा कि जो सबसे बड़ा फैक्टर लैंसेट में आया था जो कि इसको अफेक्ट करता है वो है पॉवर्टी, ना कि एज ऑफ मैरिज. एज ऑफ मैरिज सबसे लीस्ट अफेक्टिंग फैक्टर है, ठीक है ना. अब ऑथर ने कहा कि क्यों एज ऑफ मैरिज को ही सेलेक्ट किया गया, क्योंकि एज ऑफ मैरिज को सेलेक्ट करने का कारण ये था बिकॉज इट वॉज द ईजिएस्ट अमंग ऑल जिसको सुधारा जा सकता है. ये सबसे आसान था जिसको सुधारा जा सकता है विदाउट एनी मच एफर्ट, क्योंकि इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं लगती. एज ऑफ मैरिज बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, आपको एक लेजिस्लेशन पास करना है, एज ऑफ मैरिज बढ़ जाएगी. लेकिन आपने इसकी चीजें बाकी नहीं सोची कि क्या ये इतना बड़ा रीजन था. इससे ज्यादा बड़ा रीजन जो है वो एजुकेशनल स्टेटस है, इससे ज्यादा बड़ा रीजन जो है वो पॉवर्टी ऑफ द मदर है,
इससे ज़्यादा बड़ा रीज़न उसकी जो हेल्थ कंडीशंस है, जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं अवेलेबल, वो सारी चीज़ें ज़्यादा बड़ा रीज़न है इसकी, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे इन चीज़ों को काफ़ी फोकस किया कि आपने इनको सिग्निफिकेंस ना देकर कि केवल उसकी एज को डिले करने की काम किया है। अब ऑथर ने एक चीज़ और बोली कि एज को डिले करने से फ़ायदा तब होगा जब एज इतनी डिले हो जाए कि वो 25 साल तक पहुंच जाए, एटलीस्ट 25 पहुंच जाए। तो क्या 25 तक वो डिले करेंगे? 25 तक वो डिले भी नहीं करेंगे। तो एज को 18 से बढ़ा करके वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, है ना। वो तब ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होगा जब या तो फिर वो 25 से ऊपर हो जाए, है ना। तो 25 से ऊपर भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट ना। ऑथर ने कहा कि एक और चीज़ ये देखने को मिली कि अभी जो फर्टिलिटी रेट है इंडिया में वो डिक्रीज होता जा रहा है। इट इज़ डिक्रीजिंग मच बिलो द रिप्लेसमेंट रेट एज वेल। तो रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? कि रिप्लेसमेंट रेट वो रेट होता है जिसमें कि अभी जो करंट पॉपुलेशन उसको एग्जैक्टली रिप्लेस कर देगा, ऐसा फर्टिलिटी रेट जिसमें अभी की करंट पॉपुलेशन को एग्जैक्टली रिप्लेस कर देंगे। बट अगर फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम हो जाए, इफ़ द फर्टिलिटी रेट इज़ लेस देन द रिप्लेसमेंट रेट, देन व्हाट हैपेंस इज दैट द पॉपुलेशन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। पॉपुलेशन जो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन करने लगती है, ठीक है ना। तो वो भी ऑथर ने बोला। तो मैंने ये आपको बता दिया कि क्यों इसको चुना गया, क्योंकि ये कॉस्टलेस एंड एफर्टलेस है। द गवर्नमेंट विल नॉट इनकर एनी फाइनेंशियल कॉस्ट, कोई फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं लगेगी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और उनको पॉवर्टी से बाहर नहीं निकालना पड़ेगा, एज को बढ़ा दिया जाएगा। तो ऑथर ने कहा कि ऐसा मत सोचो, आप ये चीज़ें मत करो कि ईजी रूट मत फॉलो करो, आप वो चीज़ें देखो कि क्या चीज़ मेनली मोस्टली इफेक्ट कर रही है, क्या रीज़न है कि माल न्यूट्रिशन हो रहा है, क्या रीज़न है कि इतनी ज़्यादा डेथ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आप दूसरी चीज़ें फोकस करो, उनकी पॉवर्टी को कम करने की कोशिश करो, ना कि एज को बढ़ाने के। सेकेंड थिंग जो एडिटोरियल है वो है लेस टैक्सिंग। अब ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के ऊपर। तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है जो कि एग्जाम्स कंडक्ट कराएगी फॉर द नॉन गैजेटेड पोस्ट। एंड ये क्या है कि जो अलग अलग एग्जामिनेशंस होते थे उन एग्जामिनेशंस को हटा करके एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नाम की बॉडी है जो कि ये टेस्ट कंडक्ट करवाएगी। अब सिंपल सी बात है, इसका बेनिफिट गरीब बच्चों को बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि गरीब बच्चे अलग अलग फॉर्म भरते थे पहले, आरआरबी का अलग फॉर्म भरते थे, आईबीपीएस का अलग फॉर्म भरते थे, एसएससी का अलग फॉर्म भरते थे। अब उनको वो सारी चीजें एक ही फॉर्म में अवेलेबल रहेंगी, एक ही फॉर्म भरेंगे और उसी में वो पूरा एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है ना। और रेलवे अभी क्या हुआ था, बेसिकली अभी ऑथर ने बोला कि ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्डाइज रिक्रूटमेंट एजेंसी आपने बना दी, रिक्रूटमेंट टेस्ट बना दिया, लेकिन एक रिक्रूटमेंट के नंबर भी होने चाहिए। यू शुड हैव अ नंबर ऑफ जॉब स्पेशली इन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, उन डिस्ट्रिक्ट में जो मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट में आपको एटलीस्ट ये चाहिए ना कि आप नंबर ऑफ जॉब्स निकालो। जब वैकेंसी आएंगी तब तो आएगा, अभी आपने सैंक्शन किया नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी भी अनफिल्ड हैं, है ना। आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो कि जो सर्विसेज हैं आप वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी देते जा रहे हो, रेलवे की सर्विस आप प्राइवेट सेक्टर की तरफ देते जा रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा बचेगी ही कहाँ, है ना। गवर्नमेंट जॉब तो ज़्यादा बचेगी ही नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ रह जाएगी? तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा किसी एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि आप चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में तो रखो, और दूसरी चीज़ आप कम से कम गवर्नमेंट जॉब्स के नंबर इंक्रीज़ करो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के नंबर इंक्रीज़ नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी आप बनाते रहो, ठीक है ना। देखो यहां पे है, जॉब्स अंडर द सेंटर प्रिडोमिनेंटली इन द रेलवेज एंड डिफेंस सेक्टर, दे कॉन्स्टिट्यूट नियरली 14% ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विद द रेट रेस्ट फॉलिंग विद इन द परव्यू ऑफ स्टेट्स। रिफॉर्म्स मस्ट देयरफॉर हैव अ वाइडर रीच टू अचीव स्केल। रिक्रूटमेंट मस्ट बी मार्क्ड बाय वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स, वाइड पब्लिसिटी एंड ओपन कॉम्पिटिशन। तो आप ओपन कॉम्पिटिशन करो, पब्लिसिटी करो एंड वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स को रखो, तब जाके आपके इनका रिफॉर्म्स का कोई मतलब रहेगा। एज अ प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग टेस्ट NRA के अंदर पोटेंशियल है जो कि डिले को कम कर सकता है, क्योंकि अब सारे एग्जाम एक साथ होंगे तो डिले कम होगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ेगी, वाइडर एक्सेस होगी लोगों को। लेकिन ये पूरी प्रोसेस जो होनी चाहिए ये एक मॉडल की तरह काम करना चाहिए, और इससे एफिशिएंसी, स्पीड एंड इंटीग्रिटी तीनों चीज़ें बढ़नी चाहिए, तब जाकर के तो ये रिफॉर्म कारगर होगा। एफिशिएंसी, स्पीड एंड इंटीग्रिटी, ये तीनों चीज़ें बढ़ाने की ज़रूरत है। द लीडर्स वी नीड इन टूडेज वर्ल्ड। अब ये जो है आर्टिकल लिखा है किस तरीके के लीडर्स की ज़रूरत है। सबसे पहले ऑथर ने आज की कंडीशन बताई है कि आज की कंडीशन ऐसी है वर्ल्ड में जहाँ पे जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म चल रहा है। जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म मतलब कि नेशनलिज्म जब एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है, कभी कभी वायलेंस का भी फॉर्म ले लेता है, तो वो जिंगोइस्टिक नेशनलिज्म हो जाता है कि आप मतलब नेशनलिज्म के नाम पर किसी को मारपीट रहे हो, मॉब लिंचिंग, ये सारी चीज़ें भी हो रही है। तो जिंगोइज्म आ गया है, नेशनलिज्म के आगे जिंगोइज्म आ गया। देन देयर इज अ स्क्यूड बैलेंस बिटवीन डिमांड ऑफ सिक्योरिटी
13th सेंचुरी ऑफ सिविल राइट्स, मतलब कि फेक न्यूज़ चल रही है, मिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल रहा है। देन आप सबको पता है कि ये सर्विलेंस स्टेट का एक हो चुका है। सर्विलेंस स्टेट मतलब कि जहाँ पर कि आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक किया जा रहा है, आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्नूपिंग की जा रही है। ज़ीनोफोबिया, जियोपॉलिटिकल राइवलरीज हैव हाइटेंड इन दिस टाइम। देन आपको पता है कि ग्लोबल जो यूनिटी थी वो भी डिस्टॉर्टेड होती जा रही है, चाहे वो चाइना का ले लो चाहे यूएसए ले लो। देन देर इज़ इंक्रीजिंग इंक्रोचमेंट ऑन द प्राइवेट स्फीयर ऑल्सो, जो इंक्रोचमेंट है प्राइवेट स्फीयर में वो बढ़ता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके लोगों के अंदर डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस टाइम। इसके अलावा इशूज कंसर्निंग द अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑटोनॉमस सिस्टम्स, एबसेंस ऑफ इन्फोर्सिएबल ग्लोबल नॉर्म्स ऑन साइबर सिक्योरिटी, एक्सपेंडिंग रीच ऑफ साइबर बुलीज एंड कम्युनल पोलराइजेशन, ये सारे इशूज़ हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर भी आपका तैयार हो जाएगा कि वॉट आर द इशूज दैट हैव प्लेग्ड द मॉडर्न सेंचुरी। अभी मॉडर्न सेंचुरी में कौन कौन से इशूज़ हैं जिन्होंने प्लेग कर रखा है, तो ये सारे आप इशूज़ उसमें मैंशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली ऐसी टाइम आ गया जब लिबर्टी और डिग्निटी जो इंडिविजुअल की है बहुत ज़्यादा खतरे में चल रही है, और डिजिटल कोड वॉर्स चल रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें अभी हो रही है। ऐसे में हमको कैसे किस तरीके की लीडर की ज़रूरत है, ऐसे में हमको एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो एक प्रॉपर फिलोसफिकल फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज़ डिफाइन कर सके। ऐसे में हमको ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि लाइन याद रखना, हु कैन इन्फोर्स अ फिलोसफिकल फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूज़ विच डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ डिजिटल वर्ल्ड, प्लस हु कैन डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ the encroachment, who can tell you what is right, what is wrong, who can set an example by his act कि क्या सही है क्या गलत है, उसके example वो खुद सेटअप कर सके, ठीक है ना। ऐसे में हमको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपकी डिग्निटी को आपकी लिबर्टी को अपहोल्ड कर सके। एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिसके अंदर अटमोस्ट इंटीग्रिटी हो, जिसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, एम्पैथी हो, रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन हो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू लीडर। ये भी आप याद रख सकती है, GS4 में आपसे पूछा जा सकता है कि वॉट आर द ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स में इंटीग्रिटी आ गया, कंसिस्टेंसी आ गया, एम्पैथी आ गया, रिलेंटलेस डिटर्मिनेशन, इफेसिंग ह्यूमिलिटी, अ बाइंडिंग मोरल कॉम्पस एंड द एबिलिटी टू मोटिवेट मासेस। उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो मासेस को मोटिवेट कर सके विद इन द इनवायलेट एथिकल एंड आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क। ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क बनाए जिसको कि वॉयलेट ना किया जा सके, इनवॉयलेबल एथिकल फ्रेमवर्क बना सके, ठीक है ना। अ लार्जनेस ऑफ हार्ट विलिंग एंड एबल टू राइज अबव द पेटी एंड पर्सनल, जो कि एक ऐसा बड़े दिल वाला हो पेटी एंड पर्सनल चीज़ों से ऊपर उठ सके, जो कि सारे सिटीजन को इक्वालिटी के साथ ट्रीट करे एंड डिग्निटी ऑफ द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सके, जिसके अंदर एरोगेंस, इग्नोरेंस, ऑब्ड्यूरेसी, बोस्टफुलनेस और स्केप गोटिंग ये कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर एरोगेंस, इग्नोरेंस, ऑब्ड्यूरेसी, बोस्टफुलनेस एंड स्केप वोटिंग ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ना रहे, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रू लीडर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। टेक्नोलॉजी एज एन इनेबलर, अब यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताया गया कि ऑथर ने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, जो कि इगैलिटेरियन सोसाइटी बना सकती है। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ आपने बोला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको एकमात्र चीज़ ये करने की ज़रूरत है, पहले आप टेक्नोलॉजिकल हैव्स एंड हैव नॉट्स को समझ लो। आप देश में ये समझ लो कि किसके पास डिजिटल मतलब किसके पास डिजिटल सफिशेंसी है, किसके पास नहीं है। पहले आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, तब जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं आपको इस डिजिटल टेक्नोलॉजी का या टेक्नोलॉजी का कुछ बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर हम ये स्टडी नहीं करते हैं कितनों के पास डिजिटल फोन्स हैं, कितने लोग ऑनलाइन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, कितने लोग नहीं कर सकते हैं, तब तक हम नहीं बना सकते एक प्रॉपर सिस्टम जिसमें कि आप ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकोगे कि एक इक्वेटेरियम या इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाएगा, ठीक है ना। तो एक नेशनल लेवल स्टडी हुई थी ऑन स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड सोशल इंक्लूजन, विच वॉज कैरीड आउट एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन 2016। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2016 में एक स्टडी की थी सोशल ग्रुप्स की। उन्होंने ये बोला था कि देर आर मेनी चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द ग्रुप्स ड्यू टू सोशल एक्सक्लूजन एंड एकेडमिक नॉन इंटीग्रेशन। तो सोशल एक्सक्लूजन से और नॉन एकेडमिक नॉन इंटीग्रेशन से जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि फेस कर रहे हैं। द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू ब्रिज द गैप्स आर आल्सो इनएडिक्वेट। अब जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स होने चाहिए जो कि गैप्स को ब्रिज करें वो भी कम है, ठीक है ना।
एज अ रिजल्ट इंक्लूजन मेड इन टर्म्स ऑफ एक्सेस इज नॉट गेटिंग ट्रांसलेटेड इनटू क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस. तो क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एक्सक्लूजन. ओके, और एक्सेस प्रॉपर मिल नहीं रही है लोगों को, तो एक्सेस नहीं मिल रही, तो बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो कि क्वालिटी एजुकेशन मिलता ही नहीं है उनको, ठीक है ना. तो ऑथर ने कहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने ये तो बोला है कि एक नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा. ओके, आप उसको ये टास्क दोगे कि क्या एडवाइस होना चाहिए इंस्टीट्यूशंस में, क्या टेक्नोलॉजी आना चाहिए, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करें, कैसे डायरेक्शंस करें. तो आप ये सारी चीज़ें भी देखो कि सोसाइटी में किस तरीके से इगैलिटेरियन सोसाइटी आप बना सकते हो और किस तरीके से आप बेसिकली उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हो, तब जा करके आपका आपको कहीं ना कहीं ये आप चीज़ें प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है ना. सो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर इन दिस आर्टिकल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है. यहां पे ऐसी कोई डिस्कस करने लायक न्यूज नहीं है. स्पूतनिक 5 आप सबको पता है, इट्स अ वैक्सीन डेवलप्ड बाय रशियन कंपनी RDIF. तो रशियन कंपनी RDIF जो कि बेसिकली ये वैक्सीन बना रही है जिसको कि स्पूतनिक 5 बोलते हैं, ठीक है ना. तो इसको याद रखें, स्पूतनिक 5 को याद रखिएगा. आगे मूव करते हैं, इंदौर विंस क्लीनेस्ट सिटी टाइटल अगेन. तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो चौथा एडिशन था, फोर्थ ईयर लगातार, फॉर द फोर्थ ईयर इन अ रो, चौथे साल लगातार बेसिकली इंदौर को ये रैंक 1 दी गई है. इंदौर हैज बीन रैंक द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे ऑफ 2020 रिपोर्ट. तो ये 2020 रिपोर्ट की जो स्वच्छ सर्वे रिपोर्ट है कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स निकालता है. और लगभग 4000 सिटीज का सर्वे हुआ था, 28 दिन तक सर्वे किया गया. एंड दिस रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड. अब इसमें याद रखेगा, इंदौर वाज रैंक्ड नंबर 1, फॉलोड बाय सूरत, देन नवी मुंबई, देन अंबिकापुर, मैसूर, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, चंद्रपुर एंड खरगोन. ये सिटीज हैं जो कि इनको किया है. अमंग द स्मॉलर सिटीज विद पॉपुलेशन अंडर 1 लाख, जो छोटी सिटीज है जिनकी 1 लाख से कम की पॉपुलेशन है, उसमें जो टॉप 3 सिटीज थी वो कराद, सासवाद और लोनावाला थी. तीनों की तीनों आपकी महाराष्ट्र में है, कराद, सासवाद एंड लोनावाला. अगर हम स्टेट्स की बात करें, क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें, तो वो है छत्तीसगढ़ वॉज रैंक द क्लीनेस्ट स्टेट आउट ऑफ दोज विद ओवर 100 सिटीज़. ऐसी सिटी, ऐसे स्टेट जहाँ पे 100 से ज़्यादा सिटीज़ हैं उनमें 100 सिटीज से ज़्यादा वाले स्टेट्स में छत्तीसगढ़ क्लीनेस्ट था. और झारखंड वॉज द क्लीनेस्ट अमंग दोज विद लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज. तो जिनसे 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज थी उनमें झारखंड हाइएस्ट था, और जिनमें 100 से ज़्यादा हैं उसमें आपका छत्तीसगढ़ था, ठीक है ना. जलंधर गॉट द टॉप रैंक अमंग द कैंटोनमेंट्स एंड न्यू दिल्ली वाज द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी. कैंटोनमेंट्स में जलंधर टॉप पे था और न्यू दिल्ली जो थी क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी थी. तो यह सारी चीज़ आपको याद रखनी है. तो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द स्वच्छ सर्वेक्षण. मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी, रैंकिंग मैंने आपको बता दी, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. आगे अगर मूव करें तो हांगकांग गवर्नमेंट स्लैम्स US गवर्नमेंट फॉर सस्पेंडिंग द ट्रीटीज. US ने सस्पेंड कर दी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी विद द हांगकांग. अब क्या US पहली कंट्री है जिसने हांगकांग के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी सस्पेंड की? नहीं. इसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन ने भी सस्पेंड की है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी. इसके साथ US ने सस्पेंड कर दिया एग्रीमेंट विद द हांगकांग ऑन रेसिप्रोकल टैक्स एग्जेम्पशन. जो रेसिप्रोकल टैक्स एग्जेम्पशन मिलते वो भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया है. चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री का ये कहना है कि हांगकांग भी सस्पेंड कर देगा एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट विद द US इन रिस्पॉन्स. ओके, चाइना ने यह कहा है, ठीक है ना, कि हांगकांग सस्पेंड कर देगा. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वर देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. क्वेश्चंस के आंसर आप कर दीजिएगा. वैसे पहले क्वेश्चन का आंसर है वो सी है, दूसरे का आप बताइएगा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर डी होना चाहिए. सो ये है दूसरे क्वेश्चन का आंसर. मैंने आप एक क्वेश्चन का आंसर तो आप सर्च करेंगे, है ना. सो दैट इज इट फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.